पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की ही है। पत्रकारों पर बिना जांच के किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अहमदपुर थाना क्षेत्र के पत्रकार पर झूठ एक्ट लगाने के मामले की भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उक्त बात बुधवार को बड़खेड़ा हसन के पत्रकार हसीब खान के मामले में ज्ञापन देने पहुंची प्रेस क्लब से जुड़े जिले भर के पत्रकारों से सीहोर जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने संवाद करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़खेड़ा हसन के सक्रिय पत्रकार हसीब खान के द्वारा अपने चैनल पर अहमदपुर थाने में पदस्थ पुलिस कर्मी के द्वारा रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची वृद्ध महिला और उसके बेटे के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट के समाचार को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी का पक्ष भी दिखाया गया था। इसके बावजूद समाचार प्रसारण से नाराज होकर थाना प्रभारी ने पत्रकार खान पर झूठा जुआ एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया, जिसके कारण समस्त पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए पत्रकार साथी पर बदनाम और बदले की भावना से की गई कार्यवाही का जमकर विरोध किया। पत्रकारों के द्वारा इस मामले से प्रेस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राकेश राय एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया को अवगत करवाया गया, जिसके बाद पत्रकारों ने इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी मयंक अवस्थी को ज्ञापन दिया। एसपी श्री अवस्थी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पत्रकार पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का आश्वासन दिया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पत्रकारों में पत्रकार धर्मेंद्र यादव, पत्रकार कमल पांचाल, पत्रकार जोरावर सिंह, पत्रकार बिल्लू समाधिया, पत्रकार कपिल सूर्यवंशी, पत्रकार पवन विश्वकर्मा, पत्रकार नावेद जाफरी, पत्रकार मनोज दीक्षित मामा, पत्रकार आकाश माथुर, पत्रकार खालिद खान, पत्रकार हिमालय गोहिया, पत्रकार सचिन महोदिया, सतीश जीन, पंकज खान दोराहा, सलमान मंसूरी, वसीम उद्दीन, दानिश खान, जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में श्यामपुर दोराहा अहमदपुर आष्टा सीहोर के पत्रकार साथी सम्मिलित हुए। 28 तारीख को मेरे द्वारा एक खबर चलाई गई थी, पुलिस द्वारा महिला को लात मारी जा रही, उसके विरुद्ध में थाना प्रभारी अहमदपुर शैलेंद्र सिंह तोमर साहब के द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया जुए का झूठा, जो शुक्रवार को 29 तारीख को जुआ पकड़ा उन्होंने, उसमें मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें एसपी साहब को एक आवेदन दिया है जिस पर जांच कर वह निरस्त किया जाए। मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, मैं सेवन लेने के लिए आया था और वहाँ से कुछ उधर दूर पर कहीं जुआ चल रहा था, तो इसके 50 जुए वाले कहीं पे भगे तो मुझे पकड़ लिया गया और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया और मुझको डराया भी गया वहाँ पे। कौन से थाने में? अहमदपुर थाने में। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।